राज्य में जालना के अंतर वाली सराठी से शुरू हुआ मराठा आरक्षण का आंदोलन, जिसके बाद अब राज्य में आरक्षण की मांग को लेकर विविध समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ओबीसी समाज की ओर से अपने हक की लड़ाई प्रदर्शन के रूप में लड़ी जा रही है। इसी श्रृंखला में खास बातचीत की है ओबीसी महिला आंदोलनकारियों से, आइए डालते हैं एक नजर। जालना के अंतरवली सराठी गांव में मराठा आरक्षण की जो है शुरुआत इस बार हुई, और जिसके बाद जो है जो मांगे होने लगी उसके बाद ओबीसी समाज भी अभी आक्रामक होते दिखाई दे रहा है। उनके भी जो है यहां आंदोलन शुरू है, पूरे राज्य भर में आंदोलन किए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ मांगे मराठा समुदाय की ओर से ऐसी की गई है कि ओबीसी में से आरक्षण दिया जाए, और उसको लेकर जो है नागपुर में भी आंदोलन किया जा रहा है ओबीसी समाज की ओर से। हमारे साथ यहाँ जो है ओबीसी महासंघ की जो कुछ लेडीज भी है, महिलाएं भी इस आंदोलन में दिखाई दे रही है, हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या बताना चाहेंगे वो। आज ये आंदोलन चल रहा है पूरे राज्य भर में ओबीसी द्वारा जो है आंदोलन, धरना आंदोलन किया जा रहा है, क्या बताओ? आंदोलन तो होना चाहिए, लेकिन बेमुदत होना चाहिए। जब तक कि ओबीसी की जनगणना होती नहीं है, तो हर किसी ने मोहल्ला हो गया, एरिया हो गया, या फिर पूरे नागपुर शहर से हर घर से हर एक व्यक्ति को, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, आगे होकर आंदोलन में शामिल होना चाहिए। बस अब ऐसा बोला जा रहा है कि हर व्यक्ति को जो ओबीसी है उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए, क्योंकि जनगणना होनी चाहिए। तो मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा तो एक ही है कि हमारे ओबीसी और कुनबी जात से मराठियों को हमारा, वो बोलते हैं ना, खाने की थाली में से अपना ये देना नहीं चाहिए, वो हमारा मुद्दा है। और दूसरी बात ऐसी है कि हम एज अ यूथ, एज अ यूथ जनरेशन, उनको इसका कुछ सामने फायदा होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। वसी गृह यानी हॉस्टल्स है, वसी गृह है, और यूथ के लिए जो महाज्योति की जो योजना आती है वो भी हमको पूरी तरह से नहीं मिलती है, वो हमारा मुद्दा है। कहीं ना कहीं मराठा जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? नहीं, हम बिल्कुल ही सहमत नहीं है, क्योंकि कुनबी में से उन्होंने जो कुनबी समाज पकड़ा है उसमें से जो उनको डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज दे रहे हैं वो गलत है, इसलिए हम इसमें सहमत नहीं है। क्योंकि ओबीसी क्या कुनबी समाज एक बड़ा घटक है, तेली समाज है, उसमें कुनबी समाज है, और बहुत सारी संख्या में विदर्भ में साधारणतः कुनबी ज्यादा है, और हमारे यहाँ से अगर वो निजाम के काल में से जो सर्टिफिकेट दे रहे है वो बात अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे ये आरक्षण में उनका भी हिस्सा पड़ रहा है। पहले ही 3450 इतनी जाति है ओबीसी में, इतनी जाति मिलाकर ओबीसी का एक समुदाय है, और इस समुदाय में अगर वो 10% मराठा आरक्षण मांगते तो फिर महाराष्ट्र में 19% है, उसमें से अगर 10% गए तो फिर रहे कितने? 9% में 345 जो जाति है, तो वो क्या करेगी? उसमें कितना आरक्षण उसमें उसके हिस्से में आएंगे? इसलिए हम इसमें सहमत नहीं है। सम्माननीय यशवंतराव चव्हाण जी के काल में मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में लिखा था, मराठा समाज के दस्तावेज में कुनबी लिखा था, और वो आज भी तुर्जापुर में वो आज भी आरक्षण ले रहे हैं, ये गलत है। अगर आपका मराठा था तो फिर कुनबी काय के लिए लिखा? और आपको हर बार कुनबी समाज मिलता है क्या? हमारे इसमें उन्होंने ये हिस्सा डालना नहीं चाहिए। जो जरांगे पाटिल का उपोषण चल रहा है वो ठीक है, उनका भी अधिकार है मराठा समाज का कि वो आरक्षण मांगे, मगर हमारे आरक्षण से एक कतई आरक्षण का हिस्सा उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हमारा आरक्षण पहले ही पूरा नहीं है, स्वतंत्र काल के 40 साल बाद भी हमारा आरक्षण नहीं मिला था, मंडल आयोग के बाद ये ओबीसी को कुछ न फूल नहीं फूल की एक पत्ती जैसा आरक्षण मिला है, उसमें हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, नौकरी और शिक्षण में सामने गए हैं, और अभी इस पर अगर सेंट्रल में
27% आरक्षण और महाराष्ट्र में 19% आरक्षण है, वो तो हमारी हमारी जो जनगणना थी इंग्रज काल में 31 में तो 50% थी। अभी यह मांग है कि जो है ओबीसी से जो बोला है कुनबी प्रमाण पत्र दिया जाए और आरक्षण दिया जाए मराठा समुदाय को, आपका विरोध इसको है कि उन्हें आरक्षण दिया जाए लेकिन ओबीसी से नहीं? हमारी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की एक भूमिका है और हम उस पर ठाम है कि मराठे को आरक्षण दिया जाए, उनको भी मिलना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक है, मगर हमारे इसमें से कतई 1% भी आरक्षण उनको नहीं मिलेगा। और अगर दिया गया, सरकार ने अगर दिया, तो हम पूरा ओबीसी समाज, आज कम से कम 70% ओबीसी समाज ये भारत में है, तो हम फिर रास्ते पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। और जब हमारा समाज रास्ते पर उतरेगा, आंदोलन करेगा, तो ये सेंट्रल महाराष्ट्र शासन और राज्य शासन को और सेंट्रल को बहुत ही भारी पड़ेगा, उनको ये संभाला नहीं जाएगा। हमारी यहाँ से उनको ये हिदायत है कि आप ये सब बंद करो, अगर आपको मराठे को आरक्षण देना हो तो केंद्र में कायदा बनाओ और कायदा बना के 50% की जो कोर्ट की लिमिट है वो क्रॉस करके उनको आरक्षण दे दो, यही हमारी मांगे है। आज जो ओबीसी की, सबसे प्रथम तो सरकार ने जनगणना करना चाहिए और जितनी 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 संख्या है उनको वैसे आरक्षण देना चाहिए। हम लोग मराठा आरक्षण का विरोध कतई नहीं कर रहे, लेकिन मराठा जो बोल रहे कि हमें कुनबी करके आरक्षण दे, तो हमारे संविधान के अनुसार उन्होंने अपनी वंशावल यानी 3 पीढ़ी का उन्होंने ब्यौरा देना चाहिए, और वो ब्यौरा में अगर उनके दादाजी कुनबी है तो उनको कुनबी करके आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन प्रथम जनगणना करना चाहिए। और आज ही इनमें हमको जरांगे पटेल जो कर रहे कि सरसकट इन्हें सीधा सीधा हम लोगों को कुनबी करके जाहिर किया जाए, तो ये कतई नहीं होगा। और हम प्रथम कुनबी नहीं, प्रथम हम ओबीसी है करके हम ओबीसी महिला महासंघ के इसे उनका निषेध करते हैं कि उन्होंने कुनबी करके, हमारा हक नहीं तो हमारे ओबीसी का हक छीन रहे हैं। हम कुनबी बाद में है, प्रथमता हम ओबीसी है, महाराष्ट्र के नागरिक है। जिस समय मराठा को आरक्षण देने के लिए पंजाब देशमुख जी ने जब कहा था, तब उन्होंने बोला था कि हम निचले जाति के हैं, क्या हमें आरक्षण नहीं चाहिए? फिर आरक्षण का मुद्दा अभी क्यों उठा? इसके पीछे कोई ना कोई राजकर्ता की जरूर साजिश है, ये मेरा कहना है। और अगर राजकर्ता इस तरह हम लोगों में झगड़ा बढ़ाना चाहता है तो हम उसको कतई माफ नहीं करेंगे। उनका कहना है एक मराठा लाख मराठा, लेकिन हम एक कुनबी लाख कुनबी, हम लोग सब रास्ते पे उतरेंगे, साखा आंदोलन करेंगे, वक्त आया तो हम रास्ता रोकेंगे, हम जो भी करने के, जो भी हम लोगों को इनके खिलाफ अगर करना है तो शासन सोच समझ के निर्णय ले, शासन शायद ये निर्णय नहीं लेगा, ये मैं इससे पूरी आश्वस्त हूँ, लेकिन शासन जब निर्णय ले तब ओबीसी समाज की पूरी जानकारी लेके ले। और शरद पवार जी ने जो बोला है 14 से 16% ओबीसी का आरक्षण बढ़ाना चाहिए, जब ओबीसी का टक्का अगर बढ़ाते हैं और मराठे को ओबीसी करके जाहिर करते हैं तो हमारा कतई उसमें विरोध नहीं है। हेलो सभी को मेरा जय ओबीसी, जय ज्योति, जय क्रांति। और महाराष्ट्र के पूरे ओबीसी समाज को मैं ऐलान करना चाहती हूँ कि ये जो असंवैधानिक मांगरी है और जो ये भड़काऊ वृत्ति से हम एक दूसरे को भिड़ाने वाले जो राजनीति चल रही है वो हम घर घर में पहुंचाए, मेरे आवाज की तरफ से पहुंचे और पूरे भारत की 4000 से सरसकट, हम मराठी में बोलते हैं, हमको जैसे सरसकट उन्होंने कुनबी प्रमाण पत्र मांगा है और हम भी बोलते हैं कि हम सरसकट भरडल्या जाणाऱ्या जाती, हिंदी मुझे अच्छी नहीं है मेरी, तो सरसकट हमें ओबीसी में डाल दिया। हम किसान लोग थे, किसान खेती से, खेती के रिलेटेड व्यवसाय करने वाले जो भी हम थे, उनको जो वाड़ी का काम करता था, वाड़ी
बना दिया, गांव में ऐसी जाति व्यवस्था निर्माण कर दी, और अभी जो हम ही को आपस में भिड़ाने की जो नीति है, हाँ, और ऐसा अगर होता है वो अगर ये करते हैं तो ये असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। और हम इसके, मैं विजय धोटे, विदर्भ अध्यक्ष, महाराष्ट्र राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ। तो हमने देखा कि महिलाएं जो यहाँ विरोध करती दिखाई दे रही है, जो जरांगे पटेल द्वारा मांग की गई, उसे देखते हुए कैमरा पर्सन अजित कौर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।